जो लोग इंतज़ार कर रहे हैं प्योर हाइप्रोस के थीम का, तो आज की वीडियो में आप सबको इसी के बारे में बताने वाला हूँ। आज की वीडियो में जो मैं थीम यूज़ कर रहा हूँ वो आप लोगों को प्योर हाइप्रोस बेस्ट थीम देखने को मिल जाता है। जैसा कि किसी भी थीम को जब हम लोग अप्लाई करते हैं तो उसकी जो कंट्रोल सेंटर है वो यहाँ पर मॉडिफाई हो जाता है, और इस थीम को अप्लाई करने के बाद देख सकते हैं कि मेरा जो कंट्रोल सेंटर है वो बिल्कुल पूरी तरह मॉडिफाई हो चुका है, और मटेरियल लुक में आप लोगों को यहाँ पर सब कुछ देखने को मिलता है, जो टाइल्स वगैरह है और जो आइकन पैक है। और अगर आपके फ़ोन में मी की डायल या फिर हाईप्रोज का डायल मिलता है तो वहाँ पर भी आप लोग को इस थीम को अप्लाई करने के बाद मॉडिफिकेशन देखने को मिल जाता है, और ये थीम डार्क मोड और लाइट मोड दोनों को काफ़ी अच्छे तरीके से सपोर्ट करता है। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो कहीं से पसंद आया तो लाइक करिए। मैं आगे आप लोग को इस वीडियो में बताता हूँ कि किस तरह से आप लोग इसे डाउनलोड कर सकते हैं, कैसे इसे आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो थीम को जो हम लोग डाउनलोड करेंगे अपने फ़ोन में इंस्टॉल करेंगे तो कुछ इस तरह के इंटरफेस हमें देखने को मिलेगा। थीम का नाम है फॉरेस्ट ऑफ क्लाउड, जिसमें आप लोग को AOD की सपोर्ट मिलता है, लॉक स्क्रीन, होम स्क्रीन सब जगह कस्टमाइजेशन देखने को मिल जाता है। तो अगर जाते हैं हम लोग लॉक स्क्रीन पे तो देख सकते हैं आप लोग लॉक स्क्रीन पे, यहाँ पर मे बी आप लोगों को कैमरा में नहीं दिखता हो पर यहाँ पर AOD की सपोर्ट देखने को मिलता है, डायनामिक AOD की सपोर्ट के साथ में यह थीम देखने को मिलता है, AOD देखने को मिलता है, और यहाँ पर आप लोग को बैटरी की इंडिकेटर और टाइम की डिटेल्स देखने को मिल जाता है। इसके अलावा लॉक स्क्रीन में जाते हैं तो लॉक स्क्रीन में कुछ इस तरह की इंटरफेस आप लोगों को काफ़ी मिनिमलिस्ट लुक देखने को मिलता है। नीचे की तरफ अगर आप लोग आएंगे यहाँ पर डेट टाइम वेदर इंफॉर्मेशन सब कुछ देखने को मिल जाता है, और यहाँ पर कुछ शॉर्टकट्स देखने को मिलता है। तो शॉर्टकट्स देखने को मिलते हैं जिसे आप लोग डायरेक्टली यहाँ पर एक्सेस कर सकते हैं, और होम स्क्रीन पर जाते हैं तो कुछ इस तरह के लुक आप लोगों को देखने को मिलता है, जहाँ पर आप लोग डबल टैप करके इसके क्लॉक को चेंज कर सकते हैं। तो इनमें से कौन सा क्लॉक आप लोग ज़्यादा पसंद है वो कमेंट में करके बता सकते हैं। मुझे ये वाला ज़्यादा पसंद है तो मैं इसे सेट कर लेता हूँ। बाकी जो आइकन पैक मैंने आपको बताया है काफ़ी मिनिमलिस्टिक था लुक, और मटेरियल UI के साथ में आप लोग को आइकन पैक देखने को मिलता है। और फ़ोन की सेटिंग में जाते हैं तो वहाँ पर भी थीम आप लोग का अप्लाई होता हुआ दिख जाता है। और मैं हाईप्रोस अपने रेडमी K20 प्रो में यूज़ कर रहा हूँ। अगर आप लोग भी अपने रेडमी K20 प्रो में हाईप्रोस को यूज़ करना चाहते हैं तो आप लोग मेरी ये वाली वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं। उससे पहले मैं आपको दिखा दूँ यहाँ पर, तो मैं यहाँ पर एक थर्ड पार्टी थीम को यूज़ कर रहा हूँ, जिससे हम लोग इम्पोर्ट करके MTZ फाइल को अपने फ़ोन में आप अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के बाद देख सकते हैं हम लोगों को कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। हम लोग अब इसे थीम को अप्लाई करेंगे, थर्ड पार्टी थीम को अगर अप्लाई करते हैं तो यहाँ पर कोई भी दिक्कत या एरर नहीं आने वाली है, सक्सेसफुली अप्लाई हो जाएगा। और डायनेमिक लुक के साथ आप लोग को होम स्क्रीन देखने को मिलता है। और K20 प्रो में हाईप्रोस को यूज़ करने के लिए आप लोग मेरी ये वाली वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं, और मैं आप लोगों से मिलूंगा उसी वीडियो में।